हाँ तो सर अपनी तो क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स हाँ आज हाँ हम बहुत सारे लोग स्टूडेंट सेल हैं, नहीं ये बैठे हैं, देख सकते हैं कितने स्टूडेंट हैं। यहाँ मैं बैठा हूँ, मतलब बहुत सारे हैं बच्चे, ठीक है, पर सर सिर्फ हमारे लिए आए हैं। हाँ सर स्टार्ट करिए आप। चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं कौन सा है? द यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ हाँ सर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ सर, ठीक, इस नाव को हमने ऊपर कर दिया और हम आपसे पूछने जा रहे हैं इस जी चैप्टर में सेल हम पढ़ेंगे। सेल को हम बोलते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। सर भी पागल है। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज सेल। सर आप हंसते होते हैं। व्हाट इज सेल? सर आता है, आता है सर, सर आता है मुझे। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। गलत। हाँ सर, नहीं सर सही है ये। ठीक है सर, आप कोटा के हैं, आप कुछ सेल ही बता सकते हैं। इसीलिए तुम्हारा नीट नहीं निकलता। नीट निकलने के लिए दो चीज चाहिए होती है, हाँ सर जो सॉरी सर। टीचर पढ़ाए हाँ उसको ध्यान से सुनो, हाँ उसके अलावा कोई ज्ञान ना दो, और दूसरी खुद जान लो। सॉरी सर। देखो व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है? सेल इज यूनिट। चैप्टर के नाम में आपको पता चल रहा होगा सेल इज यूनिट। इस सेल के मदद मतलब से हम टिश्यू बना सकते हैं। अब मेरा नीट निकल जाएगा। आर्यमन सर ऑन फायर। बस इस सेल से हम लोग टिश्यू, टिश्यू के जरिए हम, पहले देखो एक सेल रहता है सेल के सेलुलर लेवल, दैट इज सेल के कॉम्बिनेशन को हम लोग टिश्यू कहते हैं। हाँ टिश्यू के कॉम्बिनेशन को हम लोग ऑर्गन कहते हैं। जब ऑर्गन के बाद हम लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल पे जाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद पूरी फिर अपनी बॉडी बनती है। हाँ पूरी बॉडी बन जाती है। सही बोला आपने। इसे सर की बॉडी है, देख सकते हैं। हाँ सर ऐसी बॉडी आप भी बनाई। सॉरी सर मेरी बॉडी ही नहीं है, मैं कहाँ इतना हल्का सा हूँ। हाँ सर। सर हंसते होते हैं सर, कोई राज? तो गाइस तो बच्चों देखिए ये सेल गाइस क्या तो है। है नहीं, यहाँ बच्चे ही हैं। सेल क्या है आपको मैंने बता दिया। सेल यूनिट है, एक यूनिट है लाइफ की। आप टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम ये सब बनते हैं। हाँ और ये सही में दो तरह के टाइप के सेल होते हैं। देखो सेल प्लांट में भी हो सकते हैं, हाँ एनिमल में भी हो सकते हैं। हाँ सर, सर तो बहुत अच्छे हैं यार, मैं ही जानता नहीं जो था। प्लांट में सेल होते हैं उसके ऊपर कवरिंग होती है, एक तरह की कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोज की कवरिंग होती है। और एनिमल में के सेल में कोई भी कवरिंग नहीं होती, कोई भी कवरिंग नहीं होती, ठीक। मतलब मेम्ब्रेन नहीं होती है? कोई भी मेम्ब्रेन होती है, होती है इसके अंदर सेल्यूलोजिक कवरिंग के बाद मेम्ब्रेन पाई जाती है, इधर भी मेम्ब्रेन होगी। सेलुलोज से बनी होती है सर। सेलुलोजिक मेम्ब्रेन। हाँ 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 सर, हाँ सर सर आप बिल्कुल सही हैं। आपको हाँ वही समझ रहे आप हैं, ध्यान से सुनिए, इसलिए तो मेरा नीट ही निकलता है। इसीलिए आपका नीट नहीं निकलता। मैं पांच अटेम्प्ट कर चुका हूँ, ध्यान से। मैं पांच अटेम्प्ट कर चुका हूँ सर, आप जानते हैं। एक कोटा से किया, एक कोचिंग किया, फिर एक कोचिंग आकाश से किया, ठीक है, BW से किया, और मतलब बहुत सी कोचिंग की। फिर मैंने सुना कि आर्यमन सर आए हैं विद्या आश्रम में, तो मैं यहाँ पर आया हूँ, और अब मेरा नीट निकल जाएगा। क्यों सर? सही बोले। थैंक यू सर। आपका नीट क्यों नहीं निकला? पाँच बताइए सर, मतलब मैं बहुत गंदा बच्चा था, मैं मतलब गया था तो मैं बहुत गंदे कपड़े पहन के गया था ना, और एक बार तो मेरी चप्पल टूट गई थी, इसलिए मेरा नीट नहीं निकला है, ठीक है। और एक बार मैं गया था तो वहाँ पे मेरे को पेन नहीं दी गई थी, तो इसलिए ये भी एक कारण था कि यहाँ मेरा नीट नहीं हुआ। लेकिन इस नहीं सर सर लेकिन इस बार मैं शूज़ और पैंट वेंट सब पहन के आया हूँ, और एक वॉच भी लाया हूँ, और सर आप समझते ही हैं कि अब मेरा नीट निकल जाएगा, समझ रहे हैं।
हाँ सर, तो आप आगे आप पढ़ाइए थोड़ा। ना शूज का कोई रोल होता है नीट निकलने में, ना कोई पैंट का रोल होता है नीट निकलने में। नीट निकलने का एक ही रोल होता है आपका दिमाग। आपका दिमाग अगर तेज हो तो नीट क्या IIT JEE कोई भी कॉम्पिटिशन में नाम आप निकाल लेंगे। ये आपकी गलती है। सॉरी सर, चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। सॉरी सर, मैंने शूज देखा था, मेरे शूज गंदे थे इसलिए मेरा नीट नहीं हुआ। आप खुद ही करेंगे इस बार भी आप ऐसे ही करेंगे तो मेरे को तो नहीं लगता आपको नीट ही लगेगा। नहीं सर, इस बार मैं आर्यमन सर से कोचिंग कर रहा हूँ ना, तो इस बार मेरा हो जाएगा। नीट निकाल सकते हैं, बस दो चीज़ आपने। बस सर, इस बार मैंने नए चप्पल भी खरीदे हैं और नए जूते भी खरीदे हैं, और पैंट तो है ही है, ठीक है, और मैं चप्पल जूते सब पहन के जाऊंगा। चप्पल को हाथ में और जूतों को पैर में जाऊंगा तो भी मेरा नीट आराम से निकल जाएगा। क्यों सर? चप्पल का क्या करेंगे जो हाथ में लिए? सर वो नए चप्पल हैं, है ना, तो उसे मेरा कुछ फ़ायदा हो सकता है। मैं बताता हूँ आप चप्पल का क्या करेंगे। हाँ सर, चप्पल को लेके अंदर चले जाइए। अंदर वहाँ पे जो ज़्यादा टॉपर हो, हाँ सर, उसके कान पे चप्पल रख लीजिएगा। कान पे चप्पल रख दूँ? कान पे, और उसका पेपर छीन लीजिएगा। सर सर, आप जानते कहाँ है, उन चप्पल में मैं नोट्स प्रिंट किए रहता हूँ, इसलिए मैं चप्पल पहनता हूँ। गुड, जो आप कर रहे हैं करते रहिएगा, इसीलिए आपको नीट नहीं निकलना। निकल जाएगा सर, इस बार नहीं निकलेगा, गारंटी देता हूँ। नीट करने के लिए दो चीज चाहिए। क्या सर? एक आपके जैसे एक चप्पल, हाँ, और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। एक चप्पल आप लीजिए, ठीक। आर्यन को मार दीजिए, देखिए यहाँ क्या लिखा है, आर्यन नहीं, आर्यन मार दीजिए। एक चप्पल लीजिए। हाँ सर, उस चप्पल में तेल लगा लीजिए। हाँ, ठीक, तेल लगा लिया। सर सर, कौन सा तेल? कोई भी, कोई भी आपके घर में हो जिससे खाना बनता हो, खाने वाला तेल। हाँ, के बाल लगाते हो वो भी लगा सकते। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है सर, लगा लीजिए तेल अच्छे से। उसको आप बगल में रखिए, पढ़ाई पढ़ाई करते हैं। हाँ ये पढ़ाई करके मतलब ये मार लीजिए अपने आप, दो बार मारेंगे आपका दिमाग आएगा। मार खाने से अच्छा है पढ़ लेते हैं तो आपका दिमाग पढ़ने में लग जाएगा। तो यही एक रीज़न था जिससे आर्यमन सर आज हमारे सामने हैं, और ये कोटा के बहुत मशहूर टीचर हैं। ठीक है, हाँ सर, ये तरीका आपको बता दिया, इसको हम बहुत देर से देख रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर, व्हाट इज सेल हमने पढ़ा दिया, थ्योरी ऑफ सेल, थ्योरी ऑफ सेल किसने दिया? सर मुझे आता है, इसको दिया था शेडन ने, शेडन और एक और थे, शेडन और शोन। गुड, थैंक यू सर। देखिए, सेल थ्योरी शेडन और शोन ने दी थी, लेकिन इसके साथ एक और थे, लेकिन ये थ्योरी जो थी वो गलत थी। ठीक है, हाँ, गलत प्रूफ, इन्होंने अच्छा समझा नहीं पाया था, इसीलिए इनकी थ्योरी को एक मॉडल को बाय एक साइंटिस्ट। अच्छा सर, कॉपी लाए हैं ये, देख देख के पढ़ा रहे हैं। अरे सर सर, आप कैसे टीचर हैं? तो गाइस, मैं टीचर हूँ, अच्छा, हाँ, लेकिन बुक से देख के पढ़ाते हैं, पढ़ाता हूँ इसलिए क्योंकि आपके दिमाग पे रट है, चीजें सही पढ़ाऊँ मैं, गलत ना पढ़ाऊँ। नहीं नहीं सर, हमें आप पे पूरा ट्रस्ट है। पीडब्ल्यू के टीचर खाली मोटिवेशन देते हैं, मैं आपको सब कुछ दूंगा। सब कुछ दे तो रहा हूँ, पूरी बुक दे रहा हूँ, पूरा बुक का ध्यान। बिल्कुल सर, सर आपका पक्का नहीं लीजिएगा। सर मैं भी सर नहीं हूँ। हाँ सर, पहले स्लेडन आए फिर स्वान आए। सर स्पेलिंग क्या है? एक स्लेडन है, एक स्वान है। सर स्पेलिंग क्या बताइए तो। ये देखिए, एक S, दो S, मिलके टू S हो गया। हाँ हाँ सर,
इसमें दो एस आते हैं ठीक, हाँ अरे स्वान, अरे एक इन दोनों की थ्योरी, दो एस वाली थ्योरी गलत पाई गई। इन्होंने बोला कि जो सेल होता है हाँ वो सेल ही होता है, तो और कुछ नहीं। ये हाँ बात तो सही है, चीज किसी को और किसी को ये समझा नहीं पाए ठीक। लेकिन आर्यपन सर को पता चलेगी। फिर क्या हुआ, फिर रुडॉल्फ मेरे चेले को, मेरा चेला एक है जिसका नाम था रुडॉल्फ विस्को। आपका चीला था ये। हाँ ये मेरा चीला था, मैंने इसको बताया। सबकी थ्योरी गंदी, गंदी इधर है। हमें अच्छे से समझा नहीं पाया। हाँ आर्यमन रुडोल्फ वर्षो, हाँ यस, ये आज मेरे ही नाम से आया है। 2022 में आया था ना ये, वो अरे थ्योरी ये बचपन से चिल्ला है ना ठीक। बचपन का चीला है। हाँ बात सही है। ये बुक कोई मतलब नहीं है बुक का। ये पूरी बुक दिमाग है ठीक। हाँ ये सर बुक काम भी नहीं करती वो ठीक। कौन हम देख रहा लोग सेल है। के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल थ्योरी के बारे में सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है सर, थैंक पूरा चैप्टर खत्म हो गया। यू सर। आपको कोई डाउट है? हाँ डाउट तो अब बहुत है, बाहर आपका डाउट कंप्लीट करेंगे। ठीक है।